स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह राणा, क्या कद है इनका सियासत में? मैं आपको बता दूं, इन लोगों को बीजेपी ऑफिस जाना चाहिए था। देवेंद्र सिंह राणा के घर आए हैं सतवारी इश्यूज को लेकर, जो दुकानों पर मसला बना हुआ है और पिछले दो दिन से लगातार वहां प्रोटेस्ट हो रहा है। राणा साहब, आज ये लोग सब इकट्ठे होकर आपके पास आए हैं, चाहे अरुण जी भी आए हैं, बाकी संस्थाएं भी आई हैं जो जम्मू के जनता के साथ खड़ी होती है, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह, एक मसला बना हुआ है, शहर का मसला है। हमारे सभी साथी इस मसले को कोई ना कोई हल निकालने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसी संदर्भ में हम मिले। इसमें हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, कविंदर गुप्ता जी जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, विक्रम रंधावा जी, पवन जी और सबसे अग्रसर होके चैम्बर के प्रेजिडेंट, सारे हम लोग जो है चिंतित हैं कि इनकी दुकानें जो है वो जा रही हैं, इनको कोई ना कोई कंपनसेशन या कोई तरीका जिससे कि इनकी रिहैबिलिटेशन हो। तो हम ये सब कोशिश कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से यही इल्तजा हम करते हैं, आपके माध्यम से भी गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ बने ताकि इनकी रोजी रोटी का जो सिलसिला है वो चलता रहे। तो ये हम सब की कोशिश है कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसमें कोई अपनी संज्ञान लेके मेहरबानी करें। जैसे हर इशू में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक पॉजिटिव रोल लोगों के हक में करते हैं, इसमें भी मेहरबानी करके अगर कोई हल निकालें। तो ये हम सब लोग एक दूसरे को मिलके यही हम सरकार से विनती करते हैं कि सरकार को मेहरबानी करके इनकी रोजी रोटी का जो है कोई ऐसा ढंग बने। हम समझते हैं कि इनके जो अलाटमेंट है वो म्यूनसिपैलिटी की अलाटमेंट है, लेकिन इनकी भी रोजी रोटी का सवाल है, परिवारों का सवाल है। हमारी सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से ये यही विनती है कि कोई ना कोई ऐसा हाल निकले ताकि इनकी रोजी रोटी को आगे चलाने का सिलसिला जो है वो सुविधा हो जाए। तो अभी आप क्या निष्कर्ष पे निकले, क्या निकल के सामने आया है, इनको राहत मिलेगी या फिर ये जद्दोजहद जारी रहेगी? राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारी तो एक कोशिश है कि सरकार से अपील करें। हमने आज ये प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ हैं, पवन जी भी हैं, बाकी साथी भी हैं, हमने यही हमारे ये बैठ के हम अपना आपस में मशवरा कर रहे थे और फिर सरकार से हम अपील करते हैं कि बलाए मेहरबानी एक ह्यूमन प्रॉब्लम है, उसको कंसिडर करें मेहरबानी करके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। आपके दरवाजे से बड़ी उम्मीदें हैं, सैकड़ों की तादाद में ट्रांसपोर्टर यहाँ आए थे, मुझे आज भी याद है, आज उनका मसला हल हो गया, इसी दरवाजे से हुआ। इसलिए मैंने अपनी शुरुआती दौर में कहा कि बीजेपी हेडक्वार्टर जाने से लोग बेहतर समझते हैं कि राणा के दरवाजे तक आए। बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं चैम्बर का मसले हल होते हैं, मैं चैम्बर का भी मेंबर हूँ और भाजपा का भी मेंबर हूँ, ये हमारे साथी हैं, ये साढ़ा अपना ग्रां है जम्मू, साढ़ा अपना शहर है, आपस में साढ़िया दोस्तियां रिश्तेदारियां, इन्हें अगर कोई तकलीफ होंगी वो मी भी होंगी, मी कोई तकलीफ होंगी इन्हें भी होंगी, इन्हें कोई तकलीफ होंगी इन्हें भी होंगी। ये मेंबर पार्लियामेंट साढ़े जुगल किशोर ने बड़ा रोल प्ले किया, कविंदर और ने भी किया, सारे कोशिश करा दे प्रेजिडेंट साहब। आपकी नजर में हल क्या है इसका? अब हल तो यही है कि हम यही कह रहे हैं कि कोई ना कोई हल हमें दे दो ताकि इनकी रोजी रोटी बचे, बस इतनी है। ये कब तक हल पहुंच जाएगा इनका? ये उनके पास अगर पूछेगा या नहीं पूछेगा वो नहीं है, मैं कोशिश। अरुण जी, आप भी यार राणा साहब से इन लोगों के लिए मिले आकर, तो क्या क्या निष्कर्ष क्या निकला, क्या कहा जा रहा है, किस तरह की उम्मीदें आप सतवारी वालों को दुकानदारों को देने जा रहे हैं? देखिए, जो आज एक प्रॉब्लम जो खड़ी हो गई है और उसमें 39 जो शॉपकीपर्स हैं उनकी दुकानें जा रही हैं, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मिल रहे हैं, सभी जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जुगल जी से भी बातचीत हुई, उनके साथ भी मुलाकात हुई, कविंदर जी से भी मुलाकात हुई और अब आज हम लोग राणा साहब से भी वही गुहार लेकर के आए हैं कि भाई यहाँ किस तरह से हम सब मिल करके एलजी साहब से एक अपील जो है, मैंने अपनी तरफ से पहले भी अपील जारी की है और मैंने एक मेल भी की है कि ये दुकानदार जो हैं, छोटे दुकानदार हैं, पहले भी इस तरह की जो पोजीशन बनी है उसमें हमने लोगों को रिहैबिलिटेट किया है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, पहले भी करते रहे हैं और इसी चीज़ को देखते हुए कि ये लोग जो हैं, इन लोगों की प्रॉब्लम अपनी है, छोटी छोटी दुकानें हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा एक इशू नहीं है। चैम्बर की नज़र में क्या हल है इसका? देखिए, हल तो यही है कि इन लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाए, जिस तरह से ये 1963 से ऑनवर्ड्स पूरा रेंट भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा यही इनसे डिमांड है कि भाई यहाँ पर इन्हीं के, जिस तरह से इनकी छोटी छोटी दुकानें हैं और इन लोगों को अलो करें कि ये छोटी छोटी दुकानें फिर से एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड दे करके ताकि वहाँ पर अपना काम भी कर सकें
और अपने परिवार का गुजारा भी कर सकें। शुक्रिया अरुण जी। पवन जी मेरे साथ है। पवन जी, कल मैंने आपको इमोशनल होते हुए देखा, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आप पर है क्योंकि आप उनके नुमाइंदे भी हो, आप वहाँ से चुनकर भी आते हो, तो किस तरह से आप देखते हैं कि इसका हल किस तरह से निकलेगा? मुझे पता है आप जी तोड़ कोशिश कर रहे हो, इसीलिए आज देवेंद्र सिंह से आप मुलाकात करने इसीलिए आए होंगे, क्योंकि अपनी पर्सनल बात करने नहीं आए होंगे, तो क्या हल निकलता दिखाई दे रहा है इसमें? मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल कोई भी घर ऐसा छोड़ा नहीं है कि जो ये नई बस्ती और सत्तवारी की दुकानों को बचा सके। दुकानें टूटना तय हैं, अब सिर्फ बात रह गई है कि इन दुकानों का पुनर्वास, और कुछ नहीं। टूटना तय है। इस समय चिलचिलाती धूप पड़ रही है, भीषण गर्मी है, रंग भी मेरा देख लो क्या हो गया है, लेकिन ये जैसा भी रंग होगा मुझे लगता है कोई ना कोई आशा की किरण, जो जैसे आपने यहाँ पे कहा तो मुझे लगता है कि कोई उम्मीद लगता है। सारे भाजपा का सामूहिक प्रयास है, जितने भी नेतागण कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सही है पवन जी कि नितिन गडकरी साहब ने दिल्ली से आदेश किया था जब ये सब चौड़ीकरण हो रहा था कि शहरों को ना छेड़ा जाए, शहर के बाहर से ये जो प्रोग्रेस किया जाए, चौड़ीकरण किया जाए, शहरों को डिस्टर्ब ना किया जाए, उसके बावजूद ये सतवारी में एंटर हो के आपको लगता है कि वहाँ कहीं ना कहीं कुछ हुआ है? देखिए, ये थोड़ा सा जो DPR तैयार हुई है, अगर सतवारी चौक से थोड़ा सा दाएं बाएं किया जाता था तो मुझे लगता है ये सब कुछ बच सकता था, लेकिन अब DPR तैयार हो चुकी है, टेंडर भी हो चुके हैं, अलॉटमेंट भी हो गई है। अब ये है कि ये जो पुनर्वास है ये आज नहीं होता, टूटना तय है, अब चाहते हैं कि पुनर्वास हो। हाँ, टूटना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता, इसको पुनर्वास हो। आपको लगता है कि तोड़ने से पहले, इनकी दुकानों का शटर डाउन करने से पहले नई दुकान का शटर ओपन होना चाहिए पहले, फिर इनको तोड़ना चाहिए? मुझे लगता है कि भूख तो रोज लगेगी ना, भूख रोज लगेगी, इनके बच्चे हैं, इनके माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी दवाई इस दुकान से चलती है, इनके बच्चे जो पढ़ते हैं पढ़ाई यहाँ से चलती है, इनका अपना लालन पालन यहाँ से चलता है, इनके पास कोई जरिया नहीं है। आपको लगता है कि इनको तोड़ने के लिए एक दो महीना होल्ड करना पड़ेगा ताकि इनका पुनर्वास किया जा सके, पहले वहाँ जो आज यहाँ शटर डाउन हो वहाँ ओपन हो सके, फिर इसको तोड़ा जाए? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि पहले इनको बसाया जाए, इनको तोड़ दिया जाए, 6 महीने के बाद बोलेंगे अलॉटमेंट करेंगे, 6 महीने खाना कैसे खाएंगे? वो एक अलग प्रोसेस है, उसमें कोई ऐसा है नहीं। अभी रानीबाग में भी पीछे जब जहाँ एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हुआ तो वहाँ पे कहीं घर उजाड़ दिया, आज तक चले ठीक नहीं है, इसलिए ये पुनर्वास, ये दुकान हो जाएगा फिर? मुझे लगता नहीं है, मुझे मनोज सिन्हा साहब से और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा यकीन है कि शायद आज कोई ना कोई हल इसका निकले। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पे है पवन जी। बिल्कुल है, और मैं जिम्मेवारी डट के निभाऊंगा, पीठ दिखाने वाला आदमी नहीं हूँ मैं। शुक्रिया पवन जी हमसे बात करने के लिए। हमने कल भी जब वो प्रोटेस्ट कवर किया था, हमने कहा था कि जम्मू में एक ऐसा नेता है जो ये मसला हल कर सकता है, जो जानता है कि जनता को तरक्की भी करनी है और जनता का साथ किस तरह से देना है। वो जो दरवाजा है देवेंद्र सिंह राणा का, सैकड़ों की तादाद में ट्रांसपोर्टर यहां जमा थे, मसला हल हो गया। मेरी बातों को गौर से सुना कीजिए, क्योंकि जब मैं कुछ चीज कहता हूं ना उसके पीछे एक रिसर्च होता है। आज लोग BJP हेड ऑफिस नहीं गए, देवेंद्र सिंह राणा के दरवाजे पर आए हैं, यहां से हमारी आवाज को सुना जाएगा और शायद कोई हल यहां से निकल जाए। उम्मीद करते हैं कि सतवारी का पुनर्वास हो, 60-70 साल से ये मार्केट में बसे लोग, यहीं से अपनी जीविका चलाने वाले लोग आने वाले दिनों में भुखमरी का शिकार ना हो और भारत माता की जय कहते रहें, ये हम उम्मीद करते हैं। और बहुत कुछ निर्भर करता है ये एडमिनिस्ट्रेशन पर और सरकार पर। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।